नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पहलवान की डायरी पर। दोस्तों आज मैं फिर से हाजिर हुआ हूँ एक और पहलवान की कहानी लेकर। दोस्तों आज से 30 साल पहले किसी ने भी नहीं सोचा था कि महिलाओं को भी कुश्ती में हाथ आजमाने चाहिए। भारत में सबसे पहले महिला कुश्ती करवाने की शुरुआत किसने की, कभी किसी ने इस विषय पर सोचा है? समाज के एकदम विपरीत फैसले लेना और बिना ये सोचे कि समाज उसका समर्थन करेगा या विरोध। लेकिन मास्टर चंदगी राम जी ने निर्भीक होकर समाज की परवाह किए बगैर महिला कुश्ती को प्रोत्साहन दिया और अपनी बेटियों को भारत की प्रथम महिला पहलवान बनाकर मिसाल पेश कर दी। सारे विश्व में महिला कुश्ती का परचम लहराने वाली महिला पहलवान गीता फोगाट और बबीता फोगाट को तो सारा विश्व जानता है, लेकिन शायद आपको ये जानकारी नहीं होगी कि भारत में महिलाओं की कुश्ती बहुत पहले शुरू हो चुकी थी और प्रथम भारतीय महिला पहलवान का नाम है सोनिका कालीरमन। सोनिका कालीरमन का जन्म 11 जून 1983 को प्रसिद्ध भारतीय पहलवान पद्मश्री मास्टर चंदगी राम के परिवार में हुआ था। जाहिर सी बात है कि एक पहलवान अपनी औलाद को अपने से बेहतर पहलवान बनाना चाहता है, लेकिन किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि मास्टर चंदगी राम अपनी बेटियों को भी पहलवान बनाएगा। मास्टर चंदगी राम जी कहते थे कि जो काम लड़के कर सकते हैं वह काम लड़कियां क्यों नहीं। मास्टर चंदगी राम जी ने निर्भीक होकर अपनी बेटियों को पहलवानी का अभ्यास करवाना शुरू कर दिया। सोनिका अपनी बहनों लक्ष्मी और दीपिका के साथ अभ्यास करती रही। मास्टर चंदगी राम जी ने अपनी तीनों बेटियों को पहलवानी सिखाई। सोनिका कालीरमन के बड़े भाई जगदीश कालीरमन भी एक पेशेवर भारतीय पहलवान है। सोनिका के करियर की शुरुआत साल 1998 में नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने के साथ हुई थी। साल 2001 में सोनिका कालीरमन ने भारत केसरी दंगल में भाग लिया और भारत केसरी का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। इसके साथ ही सोनिका भारत केसरी खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई। पहलवान सोनिका कालीरमन ने साल 2000 में एशियाई महिला कुश्ती में भाग लिया और गोल्ड मेडल प्राप्त किया। इसके साथ साथ सोनिका कालीरमन 10 बार नेशनल चैंपियनशिप और 9 बार भारत केसरी का खिताब भी जीत चुकी हैं। साल 2009 में पहलवान सोनिका कालीरमन ने अमेरिका में भारतीय मूल के व्यापारी सिद्धार्थ मलिक के साथ शादी कर ली थी। साल 2010 में पहलवान सोनिका कालीरमन ने अपने पहलवानी के जीवन से संन्यास ले लिया। इसके साथ साथ सोनिका कालीरमन ने बिग बॉस, खतरों के खिलाड़ी और जोर का झटका धीरे लगे जैसे टीवी के कार्यक्रमों में भी भाग लिया। भारत के इतिहास में जब भी महिला कुश्ती की शुरुआत की बात होगी तो पहलवान सोनिका कालीरमन को ही याद किया जाएगा। भारतीय कुश्ती के इतिहास में ये एक सुनहरी कदम के रूप में देखा जाएगा और भारतीय कुश्ती में अतुल्य योगदान के लिए पहलवान सोनिका कालीरमन को हमेशा याद रखा जाएगा। दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट के माध्यम से भी दे सकते हैं और हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। धन्यवाद दोस्तों।